कितनी संख्या जुटाने की उम्मीद है? मैं थोड़ा बात कर रहे थे भैया, लाखों की तादाद में समुद्र की तरह जनता नरेंद्र मोदी जी से जो उनका प्रेम है उसके लिए उमड़ के आ रही है, सबके लिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का बात सुनने का मौका मिले। सर तैयारियाँ किस प्रकार से व्यवस्था कैसे यहाँ पर की जा रही है, अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इंतजार काफी है प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का जम्मू के साथ विशेष प्रेम है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो बड़ा आवाज जो प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, जो योगदान किया, उसके कारण लाखों की तादाद में आएंगे लोग, अपने प्रिय नेता को सुनने आ रहे हैं। यहाँ पर हम जो जुटा सकते हैं हम जुटाएंगे, मगर लोग ये चुनाव जम्मू कश्मीर का ये चुनाव जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ, जनता लड़ रही है जिन लोगों ने 70 साल तक यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन की है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी उस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के परिचायक है, ही इज ए सिंबल टू एंड द एक्सप्लॉयटेशन फॉर लास्ट 70 ईयर्स। तो जनता अपने आप अपनी चीजों को खड़ा कर लेगी, हम तो आपके सामने इस विशाल पंडाल की व्यवस्था कर ही रहे। तो आप सुन रहे थे विशाल पंडाल की व्यवस्था, विशाल पंडाल की व्यवस्था चेक करने भाजपा के दिग्गज लीडर यहाँ पे आए हैं, जी कृष्ण रेड्डी, सूरज जी। हालांकि तस्वीरें समय MM स्टेडियम से बताने का प्रयास करेंगे, तस्वीरों के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री की जो आगामी रैली है उस रैली की तैयारी जहाँ पर जो है वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा का चुनाव के इलेक्शन कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग रैली में देश के प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग नेता, गृहमंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और ट्रांसपोर्ट रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्री, सभी लोग इलेक्शन कैंपेन में जुटा बस और फाइनल राउंड आज से शुरू होगा। 28 तक हमारा इलेक्शन कैंपेन होगा, इलेक्शन कैंपेन का कंक्लूडिंग बीजेपी विजय संकल्प रैली जम्मू में मौलाना आजाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाला है। स्टेडियम में सामने भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विजय संकल्प महारैली में एड्रेस करेंगे। जम्मू में टाउन के पूरे बुद्धिजीवी, टाउन के जनता इस सभा में आएंगे और 27th को, 26th को अलग अलग पार्टी के लोग जैसे बताया पूरे लोग फाइनल राउंड में इलेक्शन कैंपेन में आने वाले हैं। एक अच्छे वातावरण जम्मू कश्मीर में है, हर गांव में, हर पोलिंग बूथ में हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे, हर वोटर से मिल रहे, हर सामाजिक वर्ग के नेताओं से मिल रहे, एक पॉजिटिव वातावरण आज जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है। 100% सीट्स जम्मू में भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। और इस इलेक्शन कैंपेन का लास्ट मीटिंग इसी ग्राउंड में
प्रधानमंत्री जी का संकल्प रैली होगा, इससे हमारा इलेक्शन कैंपेन और एक अच्छे पॉजिटिव वातावरण में हमारा इलेक्शन कैंपेन कंक्लूड होगा। पूरा विश्वास है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जगह जगह हमारा कैंपेन हर विधानसभा में हर पोलिंग बूथ में हो रहे, एक पॉजिटिव परिस्थिति में हमारा इलेक्शन कैंपेन चल रहे। कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे है, राहुल गांधी जो कल भी आज भी इलेक्शन कैंपेन में जम्मू कश्मीर में गवर्नर को अपमान करते हुए वो स्टेटमेंट दे रहे, राजाओं को अपमान करते हुए स्टेटमेंट दे रहे, आज मेरा पूरा विश्वास है राहुल गांधी भी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, जितने भी कैंपेन करे इस एरिया में एक सीट भी ना कांग्रेस को मिलेगा ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा। तो आप जहां पे तैयारियां देख रहे हैं, ये तैयारियां जो है स्टेडियम में हो रही हैं, 28 तारीख की जो है वो यहां पे रैली होगी और उस रैली के लिए यहां पे तैयारी की जा रही है, लेकिन जी कृष्ण रेड्डी जी ने बड़ा बयान दिया है कि जम्मू के भीतर जो है वो सारी सीटें भाजपा निकालेगी और विजय संकल्प रैली जो है वो यहां पे जब होगी 28 तारीख को तो उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी भी जो है यहां पे हो सकते हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए तैयारियां समय जो है वो दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और इनके साथ साथ जो है वो उन्होंने निशाना साधा नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो चाहे जितना कुछ कर लें वो यहाँ पे एक भी सीट जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। तस्वीरों के माध्यम से हम यहाँ पे आपको जो तैयारियाँ हैं वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय देख सकते हैं यहाँ पे इस रैली का नाम जो है वो विजय संकल्प रैली जो है वो नाम दिया गया है और इस रैली में जो अलग अलग नुमाइंदे जो हैं वो अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे हम तैयारियाँ जो हैं वो यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हुए, यहाँ पे भाजपा की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता भी जो हैं वो मौजूद हैं और बाकी उनके जो दिग्गज लीडर हैं वो आज यहाँ पे आ रखे हैं और तैयारियाँ जो हैं उसका जायजा ले रहे हैं। हालांकि इस तैयारी का जो नाम है वो विजय संकल्प रखा गया है, जिसमें रैली जो है होगी और उसमें विजय संकल्प रैली के तौर पे जो है वो यहाँ पे बड़ी रैली को पीएम मोदी एड्रेस करेंगे।